नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज पोस्ट। मैं हूं रंजना। मैं इस वक्त मौजूद हूं धनबाद के सीएस सदर हॉस्पिटल के सीएस कार्यालय में। इस वक्त मेरे साथ बात करेंगे सीएस डॉक्टर श्याम कांत। सर, द न्यूज पोस्ट में आपका बहुत स्वागत है। हमारा सवाल है कि जो आयुष्मान भारत कार्ड की जो योजना है, भारत सरकार की ये महत्वाकांक्षी योजना में से एक है, इसके जो लाभुक हैं धनबाद ज़िले में, वो 25 प्राइवेट नर्सिंग अस्पताल उनका इलाज को रोक दिया है 16 अप्रैल से। इस पर एज अ सीएस आपके पास जो ज्ञापन आया, उसके बाद आप क्या इसमें अपना स्टेप लेते हैं? देखिए, जितने भी प्राइवेट नर्सिंग होम का अपना उन्होंने संयुक्त ज्ञापन भी मुझे दिया था और उनका निर्णय हुआ कि आयुष्मान भारत के तहत उनका इलाज नहीं करेंगे गरीब रोगियों का, तो ये एक विषम परिस्थिति पैदा हो गई है। जैसा कि पता होगा कि उन लोगों का काफ़ी राशि बकाया है, 2 करोड़ तो एक अस्पताल का राशि होता है, उनकी राशि काफ़ी बकाया है। तो कल हमने प्रेस रिलीज भी किया था, एक अपील किया है, मानवीय आधार पर अपील किया है कि जो गरीब लोग हैं और जिनकी इमरजेंसी है, जैसे डायलिसिस वगैरह वाला पेशेंट है, जो क्रिटिकल केसेस पेशेंट है, आपके जिले में 400 डायलिसिस पेशेंट हैं जिनका रुक गया, वो रुकने से वो जीवन मरण का संकट तो उत्पन्न हो चुका है, जीवन मरण का जो प्रश्न आ गया है। तो इसके लिए सभी नर्सिंग होम से मैंने अपील भी किया है कि आप मानव हित को देखते हुए केस वैसे निर्धारण करें, जो बहुत सीरियस वाले केसेज हैं उनका आयुष्मान के तहत इलाज जारी रखें, क्योंकि आफ्टर ऑल नर्सिंग होम की स्थापना मानव सेवा के लिए ही है। और अब इसके संबंध में जो बकाया की बात हुई, उसके लिए मैंने परियोजना निदेशक से भी बात की थी, और इसके अलावा जो इसके जो इंश्योरेंस कंपनी के SHA वगैरह हैं, उनसे भी हमारी बात हुई है। तो उनका क्या बात होने के बाद क्या आश्वासन मिला? उनका आश्वासन है कि ये आयुष्मान भारत का जो क्लेम है नर्सिंग होम का, जो भुगतान बकाया है, वो रोका नहीं गया है, किसी कारण से वो स्लो प्रोसेस हो गया है, लेकिन उसकी भुगतान शुरू कर दी गई है, भुगतान आने वाले दिन में जरूर होगा। तो फिर भी एक समय होगा, 15 दिन, जैसे जो गाइडलाइंस आयुष्मान का कहता है कि एक समय के बाद अगर आप पेमेंट करते तो उनको आप इंटरेस्ट के साथ पेमेंट करना होगा। ये सारी कुछ बातें नीतिगत बात है जो स्टेट निर्धारित करती है, इसमें मैं कुछ नहीं कमेंट कर सकता हूँ, लेकिन मुझे स्टेट से आश्वासन मिला था, क्योंकि ये आम जनता के स्वास्थ्य के लिए मुझे भी जागरूक होकर ये काम करना पड़ा। तो मैंने स्टेट से जब बात किया था, तो स्टेट ने आश्वासन दिया है कि नहीं, बहुत जल्दी ही इनका भुगतान हो जाएगा, भुगतान कहीं रोका नहीं गया है। दो तरह की बातें होती हैं, नहीं हम भुगतान अभी फिलहाल नहीं देंगे, तो ऐसी करके कोई बात हुई नहीं है। बताया गया कि किसी कारण से, टेक्निकल कारण से, वो भुगतान की प्रक्रिया स्लो हो गई है, लेकिन बहुत ही जल्द इसका भुगतान कर दिया जाएगा। उसके लिए स्टेट में भी एक बैठक के लिए वो लोगों ने बताया था कि बहुत जल्दी एक आपात बैठक भी वहाँ बुलाई जा रही है। लेकिन जो संचालक है, निजी संचालक हैं नर्सिंग होम के, उनका कहना है कि वो बैंक से जो पैसा ले रहे हैं, वो इंटरेस्ट उनको भी पे करना होता है, ऑलरेडी वो बर्डन होता है, तो ऐसे में हम कैसे इलाज करें, मेरे ऊपर बर्डन है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सब मैं कुछ चीज़ें जो है नीतिगत फैसले होते हैं, जिसको मैं नहीं ले सकता हूँ, ये उनका भी विवेक का बात है। लेकिन कुछ ऐसे मरीज होंगे जिनके अगर हम उनको हेल्प नहीं कर पाएंगे, उनका उपचार नहीं कर पाएंगे, तो उनकी मृत्यु हो सकती है। तो वैसे केसेस का जो बहुत अत्यंत सीरियस मामले हैं, केसेज हैं, उनको मानव हित में आप उनको रख लें। ऐसा तो सरकार ने कभी कहा नहीं कि आयुष्मान योजना ही बंद हो गई है, ये महत्वाकांक्षी योजना पूरे भारत में, कार्ड भी आपके यहाँ कैंप लगाकर बनाया जा रहा है। तो ये महत्वाकांक्षी योजना है, ये इससे बहुत लोग हम लाभान्वित हुए हैं। तो ये योजना तो बंद हुई नहीं है, किसी कारण से या टेक्निकल इश्यूज से अगर ये अभी थोड़ा पेमेंट में इश्यूज है, तो इसके चलते उन रोगियों को सेवा से वंचित नहीं किया जाना चाहिए, अन्यथा इतना बड़ा सिस्टम है, सभी सरकारी सिस्टम इसको संभाल भी नहीं पाएंगे और काफ़ी लोगों की मृत्यु। ऐसे में सदर अस्पताल में लोड बढ़ा है या नहीं पिछले 16 तारीख से अगर देखा जाए 4 दिनों में? हमारे यहाँ जो केसेस तो बढ़े हैं अभी, और इसका ट्रीटमेंट हो रहा है? ट्रीटमेंट तो हम लोग हमारे यहाँ आयुष्मान पैकेज अभी नहीं है, लेकिन जो PHC लेवल पर जो है, CHC से जितने भी जुड़े हुए हैं, वो सभी आयुष्मान से जुड़े हुए हैं। मेरा सदर हॉस्पिटल का अभी आयुष्मान से इम्पैनल नहीं हुआ है, क्योंकि उनका अभी रोगी कल्याण समिति की एक जो गठन होती है वो नहीं हुई है, उसी के चलते रुका हुआ है। हमारे यहाँ जो PP मोड में चल रहा है डायलिसिस, वो मशीन हमारी
चार है, चार ही चलना चाहिए था, लेकिन वो फुल कैपेसिटी में सुबह से शाम तक पर डे 16 केसेस का डायलिसिस कर रही है, लेकिन एक अकेली संस्था पूरे जिलों को संभाल नहीं पाएगी। तो और क्या ऐसे में जो निजी संचालक है नर्सिंग होम के, अगर वो नहीं करते हैं इलाज, तो उस पर उन पर जो संचालक है उन पर क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के उल्लंघन के तहत कुछ कार्रवाई भी आप करेंगे? निश्चित रूप से, पहले तो मैं उनसे बार बार अपील कर रहा हूँ कि आम जनता के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए वैसे गंभीर बीमारी जिसमें जीवन मृत्यु का प्रश्न होता है उसका मानवीय आधार पर इलाज जरूर जारी रखें, और अगर किसी कारण से वो इलाज करने से इनकार करते हैं तो हमें इसके लिए सरकार को लिख के सूचना देनी होगी और विधिवत कोई कार्रवाई भी करनी होगी। शुक्रिया। जैसा कि आपने स्पष्ट तौर पर सुना कि इनका कहना है कि जो मानव हित की अगर बात होती तो चिकित्सीय सेवा में मानव हित भी एक बहुत बड़ा मायने रखता है। अगर इस आयुष्मान कार्ड के जो लाभुक हैं 25 संचालक जो धनबाद जिले के हैं उनका इलाज नहीं करते हैं, किसी भी मरीज का अगर जान जाता है, तो इसके लिए जो संचालक हैं उन पर क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। बने रहिए इसी तरह की खबरों के लिए द न्यूज़ पोस्ट के साथ। नमस्कार।